हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटर। दोस्तों, मैं हूं आकाश पटेल और आप देख रहे हैं यूनिक जोली, मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आपके क्वेरी का रिजल्ट देने जा रहा हूं मैं, और क्वेरी ऐसी है कि इसका आंसर पहली बात तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और जिसको पता है वो बताएगा नहीं आपको। क्यों? नो वन वॉन्ट कि मेरे कंपटीटर बढ़े, बट कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कुछ मतलब जितना मुझे पता है जो मैंने किया है वो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हो। आगे की जर्नी आपको अपने तरीके से लेनी है। लोग क्लाइंट बताते हैं कि क्लाइंट कैसे लेता है, तो लोग बताते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाओ और इस तरीके से तरह तरह से आप जाके ले सकते हो। बट कोई भी आपको तब तक बिजनेस नहीं देगा, कोई भी तब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा मेरे भाई, जब तक आप पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग मेरे से क्यों सीखते हो? सीखते इसलिए हो क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। आपको पता है मेरे इतने ढेर सारे आपने वीडियोस देख रखे हैं, 300-400 वीडियोस देख रखे हैं। आपको पता है कि बंदा जेन्युइन है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। ठीक है, हमने कोई टीम बना के लूटने का कोई व्यवस्था नहीं किया है, हम जो करते हैं जेन्युइन तरीके से करते हैं, राइट? इसलिए आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो। सेम प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा कहीं पे अगर आपको क्लाइंट बनाना है तो। कैसे बताऊं? चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे सपोज मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, और आपको मेरे से प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको मेरे से प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं आपको प्रोजेक्ट क्यों दूंगा? मेरे पास 10 लोग 15 लोग डेली आ रहे हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए, आपको क्यों दूंगा? ऐसा क्या आप करके दे सकते हो मुझे कि मैं आपको प्रोजेक्ट देने के लिए प्रेफरेंस करूं? दोस्तों, अभी के लिए अगर आप स्टार्टिंग दौर में हैं तो सबसे अच्छा मैं तरीका आपको बताता हूं। आपके एरिया में ज्यादा दूर मत जाइए, ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका, कितना 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिए, वैसे इतना भी नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा, शायद 800 रुपए तक लगेगा। आप एक नॉर्मल सा विजिटिंग कार्ड बनाइए और उस विजिटिंग कार्ड पे अपना वर्क प्रॉपर लिखिए कि मैं क्या क्या जानता हूं। ठीक है, आप देखो सीखना तो पड़ेगा, पहले सीख के ही आप जा सकते हो ना वहां पे, तो आप वहां पे आप लिख दो कि मैं क्या क्या जानता हूं, क्या क्या सर्विसेज मैं दे सकता हूं। और उसके बाद आप ऑनलाइन सर्च करो, आपके साइड है कई ढेर सारी है जिसपे आपको जस्ट डायल सबसे अच्छा है, उसमें से जस्ट डायल से और सुलेखा .com से आपको लोकल एरिया में कितने आर्किटेक्ट्स हैं या कितने सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि खुद का काम करते हैं, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी। कम से कम आपके एरिया में 50-60 लोग होंगे, आप सर्च करके देखोगे तो मिलेगा, 10 किलोमीटर के अंदर 50-60 लोग आपको मिल जाएंगे। अब करना क्या है? अब मेन फोकस उन पे करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे मार्केट में खोजने लगेंगे काम तो आपको नहीं मिलेगा काम भाई। क्यों? क्योंकि 50 लोग के पास पहले लोग जाएंगे, आपके पास क्यों भला आएगा कोई? इफ अगर आपके पास, क्योंकि आप सोचिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ढेर सारे, आप मेरे पास क्यों आते हो? आते इसलिए हो क्योंकि आपको दिखता है कि बंदा जेन्युइन है, इसके फीडबैक रिव्यू सब कुछ जेन्युइन है। तो सेम उसी तरीके से अगर आप जस्ट डायल और क्या बोलते हैं उसके थ्रू अगर आर्किटेक्ट के पास डायरेक्ट जाते हो तो आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर स्ट्रोक करना है। अब वहां जाके मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूं। वहां जाइए और हो सके तो अगर उनका ईमेल आईडी मिलता है तो उनको इन्फॉर्म करके जाइए, सर आई वांट टू विजिट इन योर ऑफिस, और उसके बाद आई हैव दिस एक्सपीरियंस, इस तरीके से करके छोटा सा कवर लेटर बना के पॉसिबल हो तो ईमेल आईडी से उनको मेल कर दीजिए 2 दिन पहले कि मैं इस दिन आऊंगा सर, इफ पॉसिबल कैन यू गिव मी योर राइट टाइम। तो वो अगर आपको मेल कर देते हैं रिप्लाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, उसी टाइम पे जाइए। नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए और उनके पास जाके अपना पोर्टफोलियो की हार्ड कॉपी। अब आप बोलोगे पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो मेरा एक स्टूडेंट है उसने बनाया था, उस हाल में भेजा था उसने, तो उसको दे देता हूँ। आप क्या करिए, उससे बात कर लीजिए और सॉरी उसके पोर्टफोलियो को देख लीजिए, और पोर्टफोलियो को देखने के बाद आप वैसा ही एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अगर उस तरीके से उस लेवल का अगर आपने बना लिया पोर्टफोलियो, और उसके बाद आप आर्किटेक्ट के पास गए, और उनको दिखाया कि सर मैंने ये देखिए मेरी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है मोबाइल में दिखाते हो उतना इंप्रेशन नहीं आता है, थोड़ा सा 200-100 रुपये खर्च कर दीजिए, हार्ड कॉपी जब आप दिखाएंगे सामने वाला इंप्रेस होता है। ओके, अब उनको बोलिए कि सर मैं आपका पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या बोलिए? मैं आपका पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। अब वो बंदा बोलेगा कि पहला प्रोजेक्ट आप फ्री में करोगे? ठीक है, हो सकता है अगर आप 50 आर्किटेक्ट से मिलेंगे, 50 सिविल इंजीनियर से मिलेंगे तो 10-15 तो मना कर देंगे, बोलेंगे मैं बिलीव नहीं कर सकता यार, लो मैं क्यों दूँ तुमको काम, मेरे पास ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं।
बट मैं ये मानता हूं कि 50 में से 5 लोग ऐसे जरूर होंगे जो बोलेंगे अच्छा करके दिखाओ। 5 लोग क्या कहेंगे, अच्छा करके दिखाओ। और वो 5 लोग आप लोगों को करके दिखाने के लिए बोल दिए ना, तो उनका प्रोजेक्ट ले लीजिए, ठीक है। उनके पास 1 महीने 5-15 दिन के अंदर डेफिनेटली प्रोजेक्ट आ जाता है, क्योंकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, तो उनके पास प्रोजेक्ट आते रहते हैं। उनको 1 महीने में 15 दिन में आप क्या कर लीजिए, उनसे लाइनअप कर लीजिए, आपको प्रोजेक्ट 100% मिल जाएगा। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में अपना इतना 100% दीजिए कि लाइफ में आपने उतना डेडिकेशन के साथ कोई काम ना किया हो। दिल जीतना है सामने वाले का, क्या करना है, दिल जीतना है सामने वाले का, और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट सबमिट करिए। अब आप जैसे उसको प्रोजेक्ट करके सबमिट करेंगे, वो बंदा जब देखेगा आपके प्रोजेक्ट को, उसका दिल खुश हो जाएगा। वो कहेगा यार जेन्युइन चीज़ दिया बंदे ने, मतलब सॉलिड चीज़ दिया है करके। हो सकता है आपको कुछ अमाउंट गिफ्ट भी करे, और गिफ्ट ना करे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप उसको अपना क्लाइंट बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काम मैंने किया था, मैंने 200 रुपये लेके किया था। आपको मैं फ्री करने का एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ 200 रुपये में पहला प्रोजेक्ट किया था, बट उसके बाद उन्हीं के थ्रू बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट, फिर उन्होंने ही बहुत से और आर्किटेक्ट से मिलवा दिया मुझे, और मेरा काम बढ़ता चला गया धीरे धीरे। तो मेरे पास फ्रीलांसिंग उस तरीके से जब मैं करता था फ्रीलांसिंग तब बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं करता हूँ, बट अब मैं पर्सनल करता हूँ, किसी आर्किटेक्ट के थ्रू नहीं करता हूँ। जिसका कंस्ट्रक्शन भी करना है उसी का केवल करता हूँ, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी ट्रिक थी, जो मेरा एक एक्सपीरियंस था उससे मैंने आपको शेयर किया है। थोड़ा सावधान रखिए। अब सावधान रहने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आपने ऑटोकैड सीखा है और अगर आप प्रोजेक्ट करके नहीं दे सकते, तो उस ऑटोकैड को सीखने को मैं नहीं मानता कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। अगर आपने स्टेट प्रो सीखा है, स्टेट प्रो की एक बैच 20 जैन से स्टार्टिंग बैच, ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो अगर करना है तो आप कर लीजिएगा। ई टैप के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप तीसरा लेक्चर होगा। तो अगर आप स्टेट सीखा और आपने प्रोजेक्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं करके दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने RCDC सीखा नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर डिटेलिंग करके कैसे देंगे। तो अगर नहीं करके दिया है और करके देना नहीं आता है, तो बिलीव करिए आपको कोई भी रिस्पांस नहीं देगा। आपने ETF सीखा हुआ है, ठीक है, आपने ETF सीखा हुआ, आप प्रोजेक्ट करके दे ही नहीं पा रहे हो, किस बात का ETF सीखा हुआ है आपने। आपने रैबिट सीखा है, प्रोजेक्ट करके नहीं दे पा रहे हो, तो किस बात का रैबिट सीखे हो। तो ऐसे चीज़ें सीखिए, इस लेवल पे सीखिए कि आप किसी को, किसी क्लाइंट को, चाहे छोटा ही प्रोजेक्ट हो, करके देना सीख लीजिए। तो जब छोटा करने आ जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा प्रोजेक्ट करके आने लगेगा कि आप किस तरीके से दोगे। इसी दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन, आपके कमेंट में से ये क्वेश्चन मैंने चूज किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं बताता हूँ, और इस पर आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि आप परेशान रहते हो कि क्लाइंट कहाँ से मिले, क्लाइंट कहाँ से मिले। नॉलेज कई लोगों के पास है, मैंने देखा है बहुत से बच्चे हैं बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट करके देते हैं, उनके पास नॉलेज है, बट उनको काम तो मिलना चाहिए। तो काम मिलने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 50 आर्किटेक्ट से मिलो। अगर 5 आर्किटेक्ट उसमें से ओके हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट करवाने के लिए, इतना बेहतरीन कर दो कि उस 5 में से 1 तो आपका फैन हो जाए। हो सकता है पहला प्रोजेक्ट गड़बड़ो, 1-2 का, तीसरे चौथे का तो पास होगा। तो 5 प्रोजेक्ट फ्री में करना बनता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद तो आप खुद जब इस लेवल पर आ जाएंगे तो आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और टाइम है तो मैं ये कॉस्ट लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, फिर आप भाव खाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार अपने दोस्तों को भी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि स्टेट प्रो और RCDC की जो बैच है वो 20 जैन से स्टार्ट होगी। सो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, बहुत ही कम कॉस्ट में हमने सब कुछ कर रखा है, ऑलरेडी उसकी वीडियो भी आएगी, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा सीखने के लिए, अगर उनको सीखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।